हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अनीशा बेहरा एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी इन द लास्ट 30 डेज टू गेट 99+%। बिलीव मी, इट्स स्टिल पॉसिबल। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो ये वीडियो तीन सेक्शंस में डिवाइडेड होने वाला है। तो पहला वाला विल बी लाइक कि मैंने क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो किया था इन द लास्ट 30 डेज, बिकॉज मैं अभी जो भी बताऊंगी इट विल बी माय पर्सनल स्ट्रेटजी, तो सारे ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो बिल्कुल ही आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सेकेंड सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि मैंने कौन से यूट्यूब चैनल्स फॉलो किए थे। आई विल बी गिविंग यू द लिंक्स ऑफ दोज यूट्यूब चैनल्स एंड ऑल्सो अभी जो करंट प्लेलिस्ट उनमें जो चल रहा है जेई मेन्स के लिए, जो कि आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, वो सबके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड इन द थर्ड सेक्शन लास्टली विल बी टॉकिंग अबाउट कि इन दीज 30 डेज आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए, लाइक वॉट शुड बी योर रिसोर्सेज करेंटली एंड आपको किस किस चीज पर फोकस करना चाहिए। एंड ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग माई शॉर्ट नोट्स विच हेल्प मी अ लॉट, सो आई विल बी शेयरिंग देम ऑन माई टेलीग्राम चैनल। सो आई विल बी शेयरिंग फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री तीनों का शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स जो कि मैंने बनाया था। इट टुक मी लाइक 2-3 मंथ्स टू प्रिपेयर देम प्रॉपरली, सो आई विल बी शेयरिंग दैट एंड आई होप कि आप लोग को वो बहुत ज्यादा हेल्प करे, बिकॉज इट विल बी वेरी हैंडी फॉर यू लास्ट डे में रिवाइज करने के लिए जब बहुत ज्यादा हसल रहता है। एंड नॉट जस्ट लास्ट डे, बट आई वुड लाइक रिकमेंड यू कि रात को सोने से पहले यू शुड गो थ्रू वंस ये शॉर्ट नोट्स से पूरा, सो इट विल बी लाइक बहुत ज्यादा हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सेक्शन। तो दैट विल बी अबाउट कि आपकी स्ट्रेटजीज क्या रहनी चाहिए इन द लास्ट 30 डेज एंड आपको क्या क्या करना चाहिए करेंटली टू मैक्सिमाइज योर प्रिपरेशन टू द फुलेस्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। सो फर्स्टली यू शुड राइट डाउन ऑल द टॉपिक्स दैट आर देयर इन द रिड्यूस सिलेबस करेंटली। ओके, सो आफ्टर यू हैव रिटन डाउन कि पूरे सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स हैं, यू नीड टू सिलेक्ट कितने चैप्टर्स आपके ऑलरेडी हो गए हैं उसमें से, लाइक यू आर लाइक फुल्ली प्रिपेयर्ड इन हाउ मेनी, एंड कितने में यू आर लाइक एट मिड कि हाँ बस इसके प्रीवियस ईयर करने हैं, टेस्ट देना है बस, एंड हाउ मेनी आर लाइक फुल्ली न्यू टू यू। ओके, एंड ये लिस्ट बनाने के बाद आई वुड सजेस्ट यू टू गो ऑन सम गुड गुड यूट्यूब चैनल्स, लाइक कि सम रिनाउंड टीचर्स के हु वुड गिव यू लाइक 10-12 चैप्टर्स जो कि हर बार रिपीट होते हैं। वुड सजेस्ट कि आप पहले यू शुड प्रिपेयर अ लिस्ट कि लाइक मुझे ये चैप्टर्स प्रिपेयर करने ही है। ओके, एंड यू नीड टू स्टिक टू इट एंड यू नीड टू कम्प्लीट इट इन द 30 डेज अवेलेबल टू यू। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है। तो वील स्टार्ट विथ फिजिक्स। तो अगर अभी तक आप लोगों ने थोड़ा भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई किया होगा, लाइक जिसने ट्राई किया होगा करेंटली, तो उसको इतना तो पता चल गया होगा कि फिजिक्स के क्वेश्चंस मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, एंड जो कुछ कुछ नहीं आते फॉर्मूला बेस्ड वो भी अगर आप ट्राई करोगे कि लाइक कि हाँ इसको भी थोड़ा ब्रेक डाउन कर करके सोचूं, देन वो भी मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। तो ओके, तो फिजिक्स इज लाइक वेरी स्कोरिंग। ओके, तो यू कैन स्कोर एन 80 इजीली, आई एम टेलिंग यू दिस। ओके, यू कैन स्कोर इट लाइक वेरी इजीली। मैं जो शॉर्ट नोट्स आपको दूंगी अगर उसको भी आपने बहुत बार किया ना, तो अगर एंड आपको उस चक्कर में अगर बहुत बार करने के बाद आपको सारे फॉर्मूले याद रह गए, देन इट विल बी लाइक वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके, सो फिजिक्स इज वेरी स्कोरिंग एंड फोकस बहुत ज्यादा ऑन फिजिक्स, बिकॉज वहां से आप मार्क्स उठा सकते हो। ओके, तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट जो चैप्टर्स आपने डेप्थ में नहीं भी किए हो उसके एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स से फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, एटलीस्ट उतना कर लीजिए। उसके भी जो क्वेश्चन आएंगे मे भी बहुत हाई चांसेस है कि आपसे बन जाए, ठीक है। एंड उसमें मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगी फिजिक्स के लिए, आफ्टर यू रीड अ क्वेश्चन इन फिजिक्स, लाइक जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो गया या फिर करेंटली आपके जब आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट पहले क्वेश्चन को ट्राई कैसे करिए। अगर आपको नहीं आ रहा है कि क्या करना है इस क्वेश्चन में, यू जस्ट राइट डाउन कि आपको क्या क्या वैल्यूज दिए गए क्वेश्चन में, एंड देन रिकॉल कि ये चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूले थे, ठीक है, एंड देन ट्राई लिंकिंग कि ये वैल्यू दिए गए हमें तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर वैलिड हो सकता है।
जस्ट गो इन टू दैट वे ऑफ थिंकिंग एंड इट्स लाइक प्रिटी श्योर कि यू विल क्रैक कि किस इसमें क्या लगा होगा. ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा. फिजिक्स में आप लोग आराम से मार्क्स उठा लोगे. तो आई वुड सजेस्ट कि फिजिक्स को अच्छे से करके जाइए. ओके, नाउ लेट्स कम डाउन केमिस्ट्री. ओके, केमिस्ट्री पूरा 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 लाइक 90% 90-95% एनसीईआरटी से आएगा. ठीक है, एनसीईआरटी का पूरा लाइन बाय लाइन आई वुड सजेस्ट. केमिस्ट्री के लिए आपको कहीं भी और देखने की जरूरत नहीं है, लिटरली कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है. इवन इफ आपका ऑर्गेनिक तगड़ा नहीं है, ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट इनऑर्गेनिक के लिए आप पूरा एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, लाइक लाइन बाय लाइन पढ़िए कि हाँ, नॉट कि पूरा एकदम पूरा वैल्यूज आप लर्न कर रहे हैं, बट हाँ कि ट्रेंड्स हो गए, फिर डायग्राम्स हो गए किसी चीज के, फिर आपको जो जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है इनऑर्गेनिक, आप पूरा एकदम अच्छे से इनऑर्गेनिक पढ़ के जाइए. ठीक है ना, अच्छे से. ठीक है ना, एंड लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल. फिजिकल में न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में ही ज्यादा फिजिकल के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी आपको ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ नहीं दे देगा. सिंपल फॉर्मूला, सिंपल आंसर, उत्तर लेवल का क्वेश्चन आता है. तो आपको इतना ज्यादा टेंशन लेके इधर उधर भागने की अभी करंटली कोई जरूरत नहीं है. चांसेस हैं कि अगर आप अभी एनसीईआरटी को पूरा प्रॉपरली करें, एनसीईआरटी के जो चार पार्ट है आप चारों को पूरा अच्छे से करें, तो बहुत ज्यादा ही चांसेस है कि आपसे फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से. ट्रस्ट मी, केमिस्ट्री में भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं. इट इज जस्ट दैट यू नीड टू रिमेम्बर क्या क्या एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ दिया गया है एंड आपको उसको बस लिख के आना. ट्रस्ट मी, वो चार बुक से आपको जो जो चैप्टर्स करने हैं पूरा अच्छे से कर लीजिए एंड उसके बाद बस प्रीवियस ईयर पर चले जाइए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनसीईआरटी, केमिस्ट्री के लिए एनफ. सो नाउ लेट्स कम डाउन टू मैथ्स. तो मैथ्स में थोड़ा डिफिकल्ट है स्कोर करना, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने जैसा आपको स्ट्रेटेजी बताया फिजिक्स और केमिस्ट्री का, अगर आप वहां से भी 70-80 मार्क्स प्रॉपरली उठा लेते हैं, ठीक है ना, आराम से उठ जाएगा, आराम से. ठीक है ना, बस यू नीड टू फॉलो जितना मैंने बोला है. फिजिक्स के लिए आपको फॉर्मूलेस प्रॉपर आने चाहिए प्रॉपरली, एंड उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रॉपरली सॉल्व करने. सेकेंड इज फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पूरा प्रॉपरली रट लेना है, प्रॉपरली आई एम टेलिंग यू. एंड उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पे आ जाना है. उतना कर लेने से आई कैन गारंटी यू 70-80 मार्क्स आराम से आ जाएगा, आराम से. यू जस्ट नीड टू बी लाइक काम एट द टाइम ऑफ गिविंग योर पेपर, काम एंड लाइक कि प्रॉपरली कैलकुलेट करना है. ऐसा नहीं कि आता है तो जल्दी जल्दी इसको दौड़ा देंगे, नहीं. सो आफ्टर यू लाइक स्कोर इवन 60 मार्क्स इन बोथ द पेपर्स, लाइक इन फिजिक्स में भी 60 एंड केमिस्ट्री में भी 60, देन व्हेन यू कम बैक टू मैथ्स, मैथ्स से यू लाइक कांट पिक अप मच नंबर्स, ओके, बट स्टिल देयर विल बी लाइक 8-9 क्वेश्चंस जो कि इजी कैटेगरी में आएंगे. वो क्वेश्चंस हमें कहाँ से उठाने, वो क्वेश्चंस हमें वेक्टर इन 3D से उठाने, वो क्वेश्चंस हमें सीक्वेंस इन सीरीज से उठाना है, वो हमें स्टैटिस्टिक्स से उठाना है. तो वैसे वैसे चैप्टर्स टारगेट करने हैं जो कि इजी है और जहां से क्वेश्चन आता है ओके आएगा ही, मतलब. ठीक है, मैं ट्राई करूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिस्ट डाउन कर दूं कि तीनों सब्जेक्ट्स से आपको कौन से चैप्टर्स फॉलो करने चाहिए और उसको अच्छे से कर लीजिएगा. ठीक है, एंड इतना करने के बाद अगर आप वही, इवन इफ आपसे 8-9 क्वेश्चन इजी वाले पूरे भी नहीं बनते हैं, अगर आपसे 5 भी बनते हैं प्रॉपरली, तब भी आप 20 मार्क उठा रहे हो. ठीक है, तो लेट्स टारगेट 10 क्वेश्चंस. ठीक है, 10 क्वेश्चन मैथ्स में टारगेट कर सकते हैं. ओके, उसके लिए आपको बस इजी चैप्टर्स टारगेट करने हैं. ओके, एंड जिसका बाकी ये सब हो जा रहा है, आई वुड सजेस्ट कि वो बाकी के क्वेश्चंस भी टारगेट करे, एंड उसके लिए वो थोड़ा और लाइक बाकी सब चैप्टर्स आना चाहिए उसके लिए, एंड थोड़ा डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए. जिसका कुछ नहीं हुआ है, एटलीस्ट यू कैन टारगेट लाइक 5-6 क्वेश्चंस. ओके, एंड लाइक कि हम लोग मिनिमम बेसलाइन पे भी चले ना, अगर आपका एनसीईआरटी प्रॉपर डन है केमिस्ट्री में, 60-70 मार्क्स आराम से आ रहे हैं. ठीक है, फिजिक्स में आपको सारे फॉर्मूले याद हैं, आपका आराम से 60-70 मार्क्स आ रहे हैं. ओके, आराम से. एंड मैथ्स में आपको 5-6 क्वेश्चन भी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो यू आर पिकिंग अप लाइक 20 मार्क्स. नाउ वेयर आर वी हेडिंग, लाइक 140-150 का टारगेट लेके चल रहे हैं. दैट इज ऑल्सो लाइक अ वेरी गुड टारगेट. इफ यू गेट दैट मच इन 1 मंथ, इट्स लाइक अमेजिंग. ओके,
एंड उतने आ सकते हैं, ट्रस्ट में उतने आ सकते हैं, मेरे आए हैं, आपके आ सकते हैं, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। अभी इट्स लाइक 30 days लेफ्ट टू योर जेई मेंस, ओके, तो नाउ विल नॉट बी प्लेइंग ऑन योर कि ये टॉपिक्स मेरा वीक है, वी आर नॉट गोना प्ले ऑन दोज टॉपिक्स, अभी वी आर गोना प्ले योर पेपर ऑन द टॉपिक्स विच यू आर लाइक कॉन्फिडेंट एंड दोज आर योर स्ट्रेंथ्स, प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट पे तो बिल्कुल ही खेलिए कि हाँ मेरा फिजिक्स स्ट्रांग है, मेरा केमिस्ट्री स्ट्रांग है, मेरा मैथ स्ट्रांग है, वो सब्जेक्ट पे ट्रस्ट पे बिल्कुल ही खेलिए, उस पर ट्राई करिए कि आप सारा ठीक करके आए, ठीक है। इवन इफ वो टॉपिक आपका वीक है फिर भी ट्राई करिए, मैथ्स का है छोड़ दीजिए, ठीक है, मैथ्स का है छोड़ दीजिए, बट हाँ ऐसा टॉपिक्स है अगर कि पूरा इंपॉर्टेंट जैसे वेक्टर 3D है या फिर कुछ है ना, आई वुड सजेस्ट कि 2-3 दिन लेके उसको जो वीडियोस मैं दूंगी उससे एटलीस्ट प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ना इट्स जेई मेन इज लाइक कि मैथ्स में इट्स लाइक कि वेरी रेपिटेटिव, नॉट टेलिंग अबाउट द डिफिकल्ट क्वेश्चंस दैट कम, बट जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उनका पैटर्न इज लाइक वेरी रेपिटेटिव, ओके। तो उस पे आप अभी अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करें देन इट्स लाइक वेरी मच पॉसिबल कि आपके बहुत अच्छा स्कोर आ सके, ओके। सो वी विल बी प्लेइंग ऑन आवर स्ट्रेंथ्स बट ऑल्सो बी वर्किंग ऑन आर वीकनेसेस, अगर वो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसके एटलीस्ट बेसिक्स रख लेंगे अपने पास, ठीक है, ताकि अगर कोई बेसिक क्वेश्चन आया जो कि देख के सॉल्व होने वाला है वो हम मिस करके ना आए, ठीक है ना। ऐसे हम सोच के गए होंगे कि इस चैप्टर से तो डिफिकल्टी आएगा बट उसमें से कुछ ईजी आ गया तो अपना तो लॉस हो जाएगा ना, तो एटलीस्ट बेसिक्स बना के जाएंगे। दो चीजें याद रखी आपने, फिजिक्स की होगी फॉर्मूला याद करेंगे, केमिस्ट्री की होगी तो एनसीईआरटी की मिनिमम 2 रीडिंग लगाएंगे। देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम लाइफस्टाइल चेंजेस व्हिच यू शुड ब्रिंग इन दीज लास्ट 30 डेज, ओके। आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड रिकमेंड दिस कि आप अपना स्लीप साइकिल फिक्स कर लें। आई नो जितना डिफिकल्ट साउंड कर रहा है, ठीक है, डिफिकल्ट साउंड भी कर रहा है, डिफिकल्ट है भी, ठीक है, कि स्लीप साइकिल अपने को फिक्स करना है, जो रात भर पढ़ाई करते थे अब नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर रात भर पढ़ाई की तो सुबह सो जाएंगे और अगर सुबह का पेपर हुआ तो पेपर मिस हो जाएगा, ठीक है, तो अभी अपने को स्लीप साइकिल फिक्स करना है, ठीक है। आई नो मैं भी बहुत दर्द से बोल रही हूँ, ठीक है, मैंने भी ये बहुत सुना था, बहुत लोगों से सुना था कि स्लीप साइकिल फिक्स करना है, बहुत मुश्किल से फिक्स हुआ था। आई नो आपको भी बहुत मुश्किल लगेगा अभी, जो लोग सुबह उठते हैं थम्स अप टू यू गाइस, एंड जो लोग नहीं उठ पाते आई एम सॉरी टू से बट आपको उठना पड़ेगा, अभी ये 30 दिन उठना पड़ेगा, सुबह नहीं होने से भी एटलीस्ट कि हाँ 9 से 12 पेपर है तो 9 से 12 के टाइम अपन पूरा फोकस रहेंगे जैसे। और जो लोग माय डियर्स जो दोपहर में सोने वाले पार्टी हो, 3 से 6 वाले पेपर में फंस जाओगे, दोपहर को नहीं सोना है। पीक स्टडी अपने को कब कर रहे हैं, सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, ये टाइम अपने को पीक स्टडी करना है, क्योंकि देखो 9 बजे का पेपर है, आप 7 बजे सुबह उठ गए हो, 8 बजे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए 1 घंटा पहले एंड यू स्टॉप स्टडिंग एट 1, ओके, 1 घंटा पेपर के पहले 1 घंटा पेपर के बाद, यू शुड हैव द हैबिट ऑफ सिटिंग, बिकॉज अगर 3 घंटा बैठ ही नहीं पाओगे पेपर में तो आता भी होगा तो क्वेश्चन क्या करोगे बताओ, तो बैठना तो इम्पोर्टेंट है ना, कि अभी ऐसा नहीं कि हाँ 5 मिनट पढ़ लिया पोमोडोरो कर रहे हैं, 55 मिनट्स पढ़ेंगे 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, ऐसा तो वहां नहीं हो पाएगा ना कि हाँ 55 मिनट्स पेपर देंगे अब 5 मिनट वॉशरूम जाएंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो अभी अपने को स्लीप साइकिल फिक्स कर लेना है, कर ही लेना है। अगर आप ये सुबह के 7 से लेकर 1 देन 2 से लेकर शाम के 7 तक के 2 स्टडी स्लॉट्स कर लेते हो देन आप बहुत कर रहे हो ऑनेस्टली, उसके बाद पढ़ने की भी जरूरत है, उसके बाद आप चिल मारो लिटरली चिल मारो, बट इतना आपको पूरा प्रॉपर फोकस प्रॉपर स्ट्रेटजी से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी बुक उठा लिया, कोई भी क्वेश्चन उठा लिया, कुछ भी उठा लिया पढ़ रहे हो, नहीं, डोंट डू दिस, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर प्रेशियस 30 डेज इन जस्ट घुमा के इधर उधर का पढ़ के। टू बी ऑनेस्ट मार्क्स उसी के आएंगे जिसको पता होगा कि क्या पढ़ना है, एंड मैं आपको वही बता रही हूँ क्या पढ़ना है, ठीक है।
आपको इधर उधर से अभी एचसी वर्मा निकाल के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, ठीक है, या फिर कहीं से भी कुछ भी निकाल लिया मैथ्स का पूरा एकदम, हाँ नहीं ये चैप्टर तो पी जाएंगे, नहीं उसका टाइम गया, ठीक है उसका टाइम गया, अभी बोर नहीं करना है। अभी अपना टारगेट होना चाहिए कैसे ये 30 डेज में हम जेई मेन ओरिएंटेड पढ़े, जेई मेन में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व करें एंड रियलिस्टिकली चले। यहाँ पर अभी हार्डवर्क बस तब काम आएगा जब आपको 7 से 1 बैठना है और दोपहर के 2 से 7 बैठना है, ठीक है। अभी गेम लास्ट 30 डेज का गेम होता है स्मार्ट वर्क का, कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे इस चैप्टर से तो मैं बस यही करके जाऊँ, समझ रहे हो, ये टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहे तो मैं करके क्यों जाऊँ, अभी मेरे को इंटेलिजेंस नहीं शो करना है, अभी मेरे को स्मार्टली खेलना है कि पेपर में मैं कैसे कैसे सॉल्व कर पाऊँ, समझ रहे हो, राइट। तो आप लोग को अभी बस जो जो टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में उतने करने बस, ज्यादा कुछ नहीं। अपने को क्या चाहिए, अपने को मार्क्स चाहिए जेई मेंस में। आज 30 डेज में अपने को बस कैसे अपना स्कोर मैक्सिमाइज करें उसी पे काम करना चाहिए, राइट, समझ लो। तो स्लीप साइकिल फिक्स करना है, 2 स्लॉट्स में पढ़ाई करनी है, और हाँ खाना पीना भी सही कर लो, थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं, ठीक है ना। अभी अपने को भी, हम भी जेई एस्पिरेंट हैं तो, या अपने को भी खाना खाने का स्टाइल थोड़ा सही करना पड़ेगा क्योंकि बीमार पड़ गए तो सब गया। अगर बीमार नहीं पड़े तो एटलीस्ट पेपर में जाके कुछ तो लिख के आओगे, कुछ तो सॉल्व करके आओगे, पर अगर बीमार पड़ गए तो आते हुए भी 300 मार्क डिजर्विंग कैंडिडेट भी क्या ही कर लेगा, बोलो। तो हम भी जेई एस्पिरेंट है, अपना भी कुछ स्टैंडर्ड है ना गाइस, है ना। तो बस ठीक है, चलो चीट डेज जिमिंग वाले तो नहीं अपन जेई एस्पिरेंट्स है, फिर भी चलो चीट डेज ले लेते हैं कभी कभी अपन भी, कभी कभी नहीं, मोस्टली तो डेली लिया जाता है, बट अभी नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना, डेली नहीं ले सकते अभी, लास्ट 30 डेज बाकी है, तो बीच बीच में चीट डेज लेके हाँ आज अपने आपको ट्रीट करेंगे अपने फेवरेट फूड से, ओके। ठंडी का दिन है फिर भी आइसक्रीम खाने जाएंगे, या अस मोमेंट हो गया गाइस ठंडी के दिन में आइसक्रीम खाना, तो ठीक है फाइन। तो अभी पढ़ाई कर लो गाइज, अच्छे से पढ़ाई कर लो, स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई कर लो, ताकि 30 दिन बाद आके आपको इंस्टाग्राम पे मोए मोए और औकात दिखा दी वाली स्टोरीज ना लगानी पड़े जेई मेंस के पेपर के लिए, ओके। तो अभी पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है, बाद में आने के बाद, हाँ ठीक है, अगर नहीं हो पाया ठीक है तो फिर वो स्टोरीज लगा सकते हो, बट लगाने की नौबत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, कि जेई मेंस पेपर ने अपनी औकात दिखा दी या हमारा मोए मोए सिचुएशन हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई कर लो 30 डेज है, ठीक है, ज्यादा बड़ा टाइम नहीं है, ठीक है, देखते देखते निकल जाएगा, ओके। तो बस 30 डेज है, लेट्स हसल। नेक्स्ट पॉइंट बात, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप मॉक टेस्ट सभी कैसे मॉक टेस्ट दो, ठीक है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मॉक टेस्ट बना के दो, ठीक है। तो उसमें से आपको क्या फायदा होगा, उसमें से एक तो आपको जेई मेंस का पैटर्न दिखेगा, ठीक है, वो दिख गया, उसके बाद आपको एक आपका एक एबिलिटी डेवलप हो जाएगा कि वो पेपर से हम लोग कैसे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं जो अपने को करना है। बिकॉज पहला 5 मिनट ऑफ द पेपर, लाइक पहला 5 मिनट ऑफ योर सेशन, आई नो इट वुड बी स्पेंड इन फाइंडिंग आउट द क्वेश्चंस एंड द टॉपिक्स विच यू हैव प्रिपेयर्ड एंड यू कैन सॉल्व प्रॉपरली, समझ रहे हो, बस वही करना है। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मॉक टेस्ट बना के 3 घंटा बैठना है, एक क्वेश्चन बने आपसे, 2 क्वेश्चन बने, बट 3 घंटा बैठना है, मैंने बोला ना बैठना इज इम्पोर्टेंट, आपसे अभी 3 घंटा बैठा जा रहा है या नहीं वो चेक करना इज वेरी इम्पोर्टेंट। आज से 3-3 घंटे के स्लॉट्स मानना शुरू कर दो, और 3 घंटे के स्लॉट्स में आई मीन कि उसका 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद का बफर होना चाहिए, है ना। जाके पेपर के 1/2 घंटा पहले से ही बैठोगे ना सेंटर में, और फिर खत्म होने के बाद भी आपको 15-20 मिनट बैठाएंगे कि हाँ तुम्हारा पेपर खत्म हो गया, बट लाइन लाइन करके एक एक करके बच्चे छोड़ेंगे अपन, है ना। तो आपको बैठने का आदत होना चाहिए, समझ रहे हो, वो नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब क्या क्या करना है मैंने बता दिया, अब क्या क्या नहीं करना है पाएंगे, ठीक है। पहली बात, सोशल मीडिया यूज नहीं करना है। आई नो हाथ पूरा ऐसे सोचेंगे कि रील स्क्रॉल नहीं कर पा रहे दीदी,
रील्स, ओ माय गॉड कितने ट्रेंड्स मिस हो जाएंगे दीदी, रील्स नहीं देख पा रहे, शॉर्ट्स नहीं देख पा रहे दीदी, अब क्या करेंगे हम लोग? नहीं, सोशल मीडिया छोड़ देना है, ठीक है, वापस आके देख लेना 30 डेज बाद आके क्या क्या ट्रेंडिंग भेजा, ओ माय गॉड ये मैंने मिस कर दिया। रील्स स्क्रॉल करना बंद करना है, ठीक है, कर सकते हो, ठीक है, फेंक देना वो फोन को, दूर फेंक दो, पूरा दूर जहां फेंक सकते हो फेंक दो। इसीलिए लैपटॉप यूज करना चाहिए क्योंकि, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन थोड़े कम होंगे, सोशल मीडिया से दूर चले जाओ, ठीक है, जो जो बुक जरूरत नहीं है अभी पूरा दूर कर देने अपने को, HC वर्मा, DC पांडे सब दूर दूर चले जाओ, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं अपने को अभी ये सब की, एकदम बड़े बड़े ऑथर्स के बुक अभी दूर कर देने, ठीक है, अपना दोपहर वाला स्लीप, सुबह में 12 बजे उठने वाला का टाइम शेड्यूल उसको दूर कर देना, ठीक है, ये सबसे दूर चले जाना, बिल्कुल दूर, नो, ओके, एंड क्या क्या करना है मैंने बता दिया, क्या क्या नहीं करना है बता दिया, एकदम डूज एंड डोंट्स का लिस्ट बन चुका है, करंटली आप बोर भी हो चुके होंगे, ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट अ सिंपल टाइम टेबल कि आपका दिन कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो जब आप उठो पूरा फ्रेश माइंड में, एकदम फ्रेश होके, ठीक है, जल्दी सो जाओ, आराम से 10 बजे सो जाओ ना, कौन मना कर रहा है, आप 7 बजे तक पढ़ने के बाद इतना डेड हो गए कि आराम से 10 बजे सो जाओगे, आराम से 10 बजे सो के सुबह के 6 बजे उठो, आराम से उठो, कोई दिक्कत नहीं है, 6 बजे उठना है, मैंने तो 7 बजे बोला था, आप आराम से 8 घंटे की नींद पूरी करके भी 6 बजे उठ रहे हो 10 बजे सो, है ना, 9 घंटे पूरी करो, चलो आप 7 बजे उठो, ठीक है, और अगर आप उतने ज्यादा ही फास्ट हो 7:30 बजे उठो, आपको तो पढ़ाई तो 8 बजे से शुरू करनी है ना, है ना, तो सुबह सुबह जब उठे हो गए, ठीक है ना, वो पीक 1 आवर में आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ द डे करना, आज मेरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या है, वो पहले दिन डिसाइड करके सो गए कि ये चैप्टर मेरे को कवर कर लेने, ओके, एंड वो चैप्टर में से आपका जो भी सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा वो आपको सुबह के पहले 1 आवर में, जो भी इम्पोर्टेंट है कि हाँ आज मुझे ये कर ही लेना है, आज मुझे इतना फिजिक्स के फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, आज मुझे मैथ्स के ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, आज मुझे ये प्लेलिस्ट तो देख ही लेना है, ठीक है, जो भी सबसे इम्पोर्टेंट होगा उसको डे के 1st आवर में करना है, उसके बाद आप अपना डे नॉर्मली प्लान कर सकते हो, क्योंकि हम अपना सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव काम डे के 1st आवर में ही करते हैं, क्योंकि जस्ट उठे होते हो आप, फ्रेश होता है माइंड, है ना, तो फिर सबसे डे का प्रोडक्टिव काम हमें उसी टाइम करना है, ओके, तो हाँ फ्रेंड्स आप लोग बताए कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बट हाँ क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता रही हूँ, उसको अच्छे से सुनेंगे हम लोग एंड फॉलो करेंगे, ओके, हो गया, तो बस इतना ही टिप्स था, मैं उसको समराइज कर दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से याद रह जाए कि क्या क्या मैंने बोला अपने पूरे वीडियो में, ठीक है, पहला मैंने बताया कि आपको चैप्टर्स क्या क्या करने हैं उसको पेपर पे लिख देना है, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या है उसको रेड पेन से अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, उसके बाद बात रहा सब्जेक्ट वाइज क्या क्या करना है, फिजिक्स में फॉर्मूले कर लेने हैं, केमिस्ट्री में NCERT कर लेनी है, मैथ्स में आपको जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है और ईजी है वो कर लेने हैं, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स, ठीक है, उसके बाद आया कि स्लीप शेड्यूल ठीक कर लेना है, खाना सही से खाना है, ठीक है ना, 5-5 घंटे के 2 स्लॉट्स मारने हैं, सुबह के 7 AM से 1 PM तक एक, फिर 2 PM से 6 PM तक एक, 2 स्लॉट्स हो जाने चाहिए, ठीक है, इसमें आपको प्रोडक्टिव करना है, सुबह के 1st आवर में आपको सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव पढ़ाई करनी है एंड डे प्रॉपरली प्लान आउट करना है, तो बस इतना आपको 30 डेज रेगुलरली करना है, कमिटमेंट चाहिए गाइज, अभी कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में कि हम लोग 30 डेज चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं अनिशा दी, एंड उसके बाद आके मेरे को एडिट करके उसी कमेंट में बताना कि कितना वो इफेक्टिव रहा आपके लिए, कितने स्कोर आपके बन रहे हैं, तो गाइज अभी ये कमेंट कर दो, एंड हम लोग अभी जाते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में जिसके लिए आप लोग वेट करो, दीदी अब बता ही दो कौन से वो प्लेलिस्ट है, कौन से वो चैनल है जिसको अपने पढ़ ही लेना है, तो अभी उस पे आते हैं, आई नो मैंने बहुत बोर कर दिया, पठान इतना कर लेना है, ठीक है, तो पहले मैथ्स पे आते हैं, मैथ्स पे ऑब्वियसली अपने को नेहा मैम का चैनल फॉलो कर रहे हैं, जो जो फॉलो कर रहे हो ऑलरेडी वेल एंड गुड, या फिर जो नहीं कर रहे हो प्लीज फॉलो इट, बहुत अच्छा है, मैंने अपना बोर्ड्स, मैंने अपना जेई में सब उन्हीं के चैनल्स निकाले हैं, इनसे बेटर मैथ्स नो वन, शी इज द गॉड, ठीक है, फॉर मैथ्स बिल्कुल, और उनका प्लेलिस्ट ये है जो अभी चल रहा है करेंटली, एंड ये प्लेलिस्ट विल बी लाइक वेरी वेरी हेल्पफुल, हमारे टाइम पे भी चलता था ऐसा एक प्लेलिस्ट, मैंने पूरा किया था उसको, आप भी इसको पूरा करें, बिल्कुल बहुत ही हेल्पफुल होगा, ओके,
तो इनके से मैच कर लेना अपने आप, ठीक है। सेकेंड यूट्यूब चैनल पे आते हैं, दैट इज वोरा क्लासेस। ओके, वोरा क्लासेस सब जानते हो गए, साक्षी वोरा मैम को, साक्षी वोरा मैम से केमिस्ट्री पढ़ लेना है अपने अच्छे से। मैम का भी नया प्ले लिस्ट ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, तो ये प्ले लिस्ट से अपने को केमिस्ट्री प्रॉपरली कर लेनी है, ठीक है। एंड बाकी एनसीईआरटी तो करनी है, पीवाईक्यू भी करनी है, बाकी ये प्ले लिस्ट में आपको प्रॉपरली वो एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड वे में वो बता देंगे, ठीक है। तो ये कर लेना है, और जो जो नेहा मैम के बाद अगर आपके पास बहुत टाइम बच रहे तो आप निशांत सर से भी मैथ्स पढ़ सकते हो, वो भी बढ़िया पढ़ाते हैं। ओके, तो यू हैव मैथ्स के लिए टू ऑप्शंस अभी, एंड केमिस्ट्री के लिए साक्षी मैम है, बिल्कुल। ओके, देन लेट्स कम बैक टू द थर्ड यूट्यूब चैनल विच यू शुड फॉलो, दैट इज अनअकैडमी जेई। ऑब्वियसली इनके मैं आपको रेगुलर वीडियोज इज नाइस, बट मैंने जो फॉलो किया था वो आपको बताऊंगी, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए। एंड दैट इज वो लोग जो लास्ट में डालते हैं प्रेडिक्टर पेपर्स हो गया, टॉप 100 क्वेश्चंस फॉर ईच सब्जेक्ट हो गया, दिस इज लाइक बहुत हेल्पफुल। ये मैंने फॉलो किया था एंड ये लास्ट में वो लोग डालेंगे, याद से मैं बोल रही हूँ, 3 बार बोल दी मैंने, अब आपको कर लेना है, ठीक। अब फिजिक्स के प्लेलिस्ट पे आते हैं, तो फिजिक्स के लिए मुझे जेई वाला का चैनल मिला, जहाँ पर अभी एक चल रहा है सीरीज फिजिक्स का, एंड मेरे को वो अच्छा लगा, लाइक कि हाँ पूरा प्रॉपर डिटेल स्ट्रक्चर्ड वे में वो करा रहे हैं। तो इफ यू वांट यू कैन डू फिजिक्स यहाँ से। तो ये हो गया हमें क्या क्या यूट्यूब चैनल फॉलो करना है, सबकी वीडियोज लाइक प्लेलिस्ट के लिंक और चैनल्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू हमें रिसोर्सेस क्या क्या फॉलो करने हैं एंड नोट्स कहाँ से पढ़ना है, राइट। तो रिसोर्सेस तो मैंने बता दिया आपको, अपने एनसीईआरटी को करना है केमिस्ट्री में, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। फिजिक्स के लिए भी अपने को, फिजिक्स के लिए हम, मैं आपको स्टिल अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ कुछ अच्छे प्रीवियस ईयर एंड नोट्स डाल दूंगी जो आपको हेल्प करेगा, या फिर कुछ कुछ टेलीग्राम चैनल्स के लिंक दे दूंगी जो आप क्या फॉलो कर सकते हो फॉर लाइक अ गुड प्रिपरेशन। बाकी तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स करने मेरे जो मैं डाल दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, वीडियो के बाद। ओके, तो वो आपको कर लेना है। ओके, एंड मैथ्स के लिए अपने आपको क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है, जो प्ले लिस्ट मैंने नेहा मैम को बताया, ठीक है, वो उसके क्वेश्चंस कर लेने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है, और बिल्कुल ही प्रॉपरली करने हो जाएगा, डन। तो आई होप एट द एंड ऑफ 30 डेज यू वुड बी लाइक वेरी 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 रेडी टू गिव योर जेई मेंस, एंड आई होप कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए, ठीक है। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट हार्ड टू स्कोर लाइक 140-150 इन जेई मेंस। मैंने जैसा बताया आपको प्लीज वैसा फॉलो करिए, एंड देर वॉज अ रीज़न क्यों मैंने 24th of December को वीडियो नहीं डाला, जबकि आपका एग्जाम 24th January से है। देर वॉज अ रीज़न कि मैं आपको 1-2 दिन का बफर देने वाली थी कि आप पूरा अपने माइंड को सेट कर लो कि नहीं 24th December से हम पूरा ट्रैक पे आ जाएंगे और पूरा प्रॉपरली स्टडी करेंगे, है ना। एंड अभी सब जाके सब कमेंट करेंगे कि यस दीदी वी आर टेकिंग द 30 डेज चैलेंज, ठीक है ना। लोग 30 डेज वर्कआउट चैलेंज लेते हैं, हम जो ये एस्पिरेंट्स हैं तो 30 डेज का स्टडी चैलेंज लेंगे अपने एग्जाम के लिए। तो गो कमेंट डाउन बिलो कि यस आई एम एक्सेप्टिंग योर चैलेंज, ठीक है ना। ओके, एंड कम बैक आफ्टर योर एग्जाम्स, आफ्टर योर फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड एडिट दैट कमेंट एंड टेल मी कितना हेल्प किया आपको ये सब टिप्स, कितना आपके पेपर में आया था क्वेश्चन ऐसा ही, ठीक है। जल्दी 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 सब कमेंट्स की बारिश कर दो, एंड आई विल बी वेटिंग। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट को एडिट भी कर दो, 30 डेज इज नॉट अ लॉन्ग टाइम, तो आप लोग आके फास्ट फास्ट लिख दो कि एडिट करके कि दीदी एग्जाम बढ़िया गया, आपके टिप्स काम में, ठीक है, एंड सब प्रॉपरली फॉलो करेंगे। ओके, तो फाइन, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आई विल बी रिप्लाइंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरीज हो, सब कमेंट्स में लिख देना, एंड आई सी यू अगेन, बाय बाय गाइज, and all the best for your J, my dear, 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 lovely people.